सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? बहुत लंबे समय के बाद मैं और आप लोग मिल रहे हैं, तो लेकिन अब लगातार वीडियोस आती रहेगी। तो भाई आज का मुद्दा ये है कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बहुत लोगों का तो क्वेश्चन ये है कि हमें जुड़वा बच्चे पैदा करने हैं तो होंगे कैसे। देखिए, जैसे लड़का और लड़की आप लोगों के हाथ में नहीं है होना, वैसे जुड़वा बच्चे जो है वो भी आप लोगों के हाथ में प्राकृतिक नेचुरल तरीके से नहीं है। हाँ, डॉक्टर की सहायता से कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि दो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं लेकिन उन दोनों की शक्ल मिलती नहीं है, और कुछ जुड़वे बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी शक्ल मिलती है। कि कुछ लोगों को जुड़वा बच्चे पैदा हो चुके हैं और जब दोबारा वो बच्चा करता है तो भी जुड़वा पैदा होता है। अरे ये सारी कहानियां क्या है? क्या जुड़वा बच्चे का थप्पड़ मारने के बाद उसको भी महसूस होगा जब एक बच्चा रोएगा कि दूसरा भी रोएगा? तो ये सारी तमाम बातें आज मैं बताने वाली हूँ। जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? सबसे पहली बात तो अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, सभी का क्वेश्चन है कि भाई जुड़वा बच्चा पैदा करने हैं तो कैसे होंगे। पहले तो बच्चा पैदा कैसा होता है, देखो अगर कोई भी बच्चा है तो भाई ये जो अंडा होगा, ये अंडा जो है और ये जो आपका शुक्राणु है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, ये आपस में मिलेंगे और एक भ्रूण बना लेंगे, एक जायगोट बना लेंगे, ठीक है, जिससे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इस तरह से आपका क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरह से निषेचन हो जाता है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन आपको पता है कि हजारों लाखों मिलियंस जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो एक अंडे से मिलते हैं, लेकिन एक स्पर्म एक अंडा एक बच्चा। यानी एक अंडे से जब स्पर्म मिलेगा तो एक बच्चा पैदा होगा। बाकी जो होती है ना, बोलते हैं कि जिंदगी एक रेस है, रेस तो पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है, वो यही रेस है कि सिर्फ एक स्पर्म ही एक अंडे से मिल पाएगा। जब एक स्पर्म एक अंडे से मिलता है तो यहां बनता है एक बच्चा। यहां क्या बनता है? एक बच्चा बनता है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा दो अंडा दो स्पर्म, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ऐसे तो तीन अंडे तीन स्पर्म होंगे, तो ये होता कैसे है? जरा इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल तरीके हम आप जो पैदा हुए हैं वो इसी तरीके से, खासतौर पे मैं नहीं क्योंकि मैं खुद ट्विंस हूं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ट्विंस होने की कंडीशन क्या क्या होती है। देखिए, ट्विंस होने की कंडीशन, ज्यादातर जो कंडीशन देखी गई है, वैसे तो एक नेचुरल तरीके से हो सकता है, ठीक है। मेरी माँ तो 20 साल की थी जब हुआ था, लेकिन आजकल जो कंडीशन देखी जा रही है, जो कंडीशन ज्यादातर देखी गई है जब ट्विंस पैदा होते हैं, वो कैसे होता है? जब मोनोपोज की कंडीशन हो। मोनोपोज वो कंडीशन होती है जैसे 30 साल से ऊपर जो लोग बच्चे पैदा करते हैं, आजकल लेट बच्चे पैदा लोग कर रहे हैं, वैसे मोनोपोज की कंडीशन जो स्टार्ट होती है, मोनोपोज का मतलब होता है जब किसी महिला को पीरियड्स जो है, मासिक धर्म जो है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लग जाए, या वो समय आ जाए कि भाई अब चीजें जो है वो धीरे धीरे हार्मोन जो है वो काम करना कम करेंगे और पीरियड जो है कहीं ना कहीं 5-10 साल बाद बंद हो जाएंगे। तो मोनोपोज की कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है 35 साल की उम्र के बाद। जब कोई महिला 35 साल की हो जाती है तो उसके बाद उसकी मोनोपोज की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसे टाइम पे जुड़वा बच्चा पैदा हो सकता है। दूसरा, आईवीएफ के द्वारा, जैसे जिन लोगों को बच्चे पैदा नहीं होते तो बाहर ही शुक्राणु और अंडे को मिलाया जाता है, तो ऐसे में हम दो बच्चे पैदा करवा सकते हैं आईवीएफ के द्वारा। जिन लोगों को जुड़वा बच्चे चाहिए, कि जुड़वा ही चाहिए, वो आईवीएफ के द्वारा जुड़वा बच्चे पैदा कर सकते हैं। जिनको नहीं होता वो तो करते ही है। और आप ऐसे कुछ दवाइयां खा रहे हो जिससे आपका फर्टिलाइजेशन हो सके, आप मां बन सके, आप मां नहीं बन पा रही हो और ऐसे टाइम पे आप बहुत सारी ऐसी दवाइयां खा रही है जिससे मां बन पाए, तो ऐसे टाइम पे आपको एक बार में 2-3 अंडे बन सकते हैं। या लगातार ज्यादा अंडों को बनना, जब 35 साल की उम्र होती है, जब मोनोपोज की कंडीशन होती है, जब मासिक धर्म पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं, उस वक्त महिला को एक महीने में एक अंडा न बनके 2-3 अंडे भी बन जाते हैं। अब इन अंडों का लेना देना क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात सुनिएगा, नॉर्मल जो बच्चा पैदा होता है वो किस तरह का होता है, ये देखिए। यहाँ पे देखिए, एक अंडा एक स्पर्म, अगर दो वही अंडा अगर दो में विभाजित हो जाए, दो में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे यहाँ पे एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आइडेंटिकल होगा, जिनकी शक्ल दिखने में एक जैसी होगी, और या तो वो दो लड़कियां ही पैदा होगी या वो दो लड़के ही पैदा होंगे। लेकिन अगर इसमें एक बात और है कि इनकी जो नाभि नाल है, इनकी जो प्लेसेंटा होगी वो एक ही होगी, ठीक है। एक अंडा एक स्पर्म और वो अगर विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो एक ही प्लेसेंटा एक ही नाभि नाल होंगे और उनकी शक्ल देखने में बिल्कुल एक जैसी होगी। अब जो बच्चे, जो मेरी कंडीशन थी, जैसे मैं जुड़वा पैदा हुई थी, बट पैदा होने के बाद मेरे जो भाई था वो उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। हम दोनों की शक्ल देखने में बिल्कुल भी एक जैसी नहीं थी, तो मेरी कंडीशन यही वाली बैठती है अगर देखा जाए तो। इसमें क्या होता है
कई बार बच्चों क्या होता है, एक अंडा एक स्पर्म और दरवाजा जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, रेस जो है वो वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन एक अंडे से एक स्पर्म मिल जाए और उसी वक्त दूसरा अंडा भी निकल जाए, मैंने बोला ना कि एक तो 35 की उम्र के बाद ज्यादा अंडे निकलते हैं, या आप IVF से कर सकते हो, या आप ऐसी दवाइयां खा रहे हो, या किसी और कारण से एक से ज्यादा अंडा अगर रिलीज हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, एक से ज्यादा अंडा रिलीज हो जाएगा तो दूसरा स्पर्म दूसरे अंडे से मिल जाएगा। तो ऐसे में इनकी नाभिनाल भी दोनों की अलग अलग होगी और ये देखने में एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये कुछ ऐसे होगा जैसे बस दो बहन भाई एक साथ पैदा हो गए हो, यानी जैसे मैं और मेरा भाई एक ही दिन पैदा हुए थे, तो हम दोनों की शक्ल देखने में बिल्कुल भी एक जैसी नहीं थी। ठीक है, वो अलग बात है कि वैसे भी जुड़वा बच्चों की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, बहुत कम जुड़वा बच्चे जो होते हैं, ये भी एक रेशो है कि जुड़वा बच्चे थोड़े कम जी पाते हैं या उनके जीने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ऐसे में मेरा जो ब्रदर था वो बचपन में ही एक्सपायर हो गया था, तो मैं खुद जुड़वा हूं। दोनों देखने में एक जैसे नहीं है, लेकिन जुड़वा है, इनको बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल। और ऐसे बच्चों को नॉन आइडेंटिकल के अलावा डाइजायगोटिक भी बोलते हैं। अब ये डाइजायगोटिक क्या है, थोड़ी सी साइंस के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, मोनोजायगोटिक वो बच्चे होंगे जो एक ही अंडे से बने हैं, बस वो अंडा दो हिस्सों में विभाजित हो गया और उन दोनों का एक ही प्लेसेंटा होगा, एक ही नाभिनाल से जुड़े हुए होंगे। ऐसे बच्चों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी होगी। डायजायगोटिक वो बच्चे होते हैं जो अलग अलग अंडों से बने होते हैं, एक स्पर्म अलग अंडे से, दूसरा स्पर्म अलग अंडे से, इनकी नाभिनाल भी अलग होगी, इनको हम लोग डायजायगोटिक बोलते हैं, या नॉन आइडेंटिकल ऐसे बच्चे होंगे जिनकी शक्लें आपस में मैच नहीं होगी, वो ज्यादातर दोनों अलग अलग सेक्स के भी हो सकते हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों के बच्चे 8 से लेकर 9 भी पैदा होते हैं, कुछ लोगों के बच्चे 8 पैदा होते हैं, कुछ लोगों के बच्चे 9 पैदा होते हैं। तो अब जैसे एक अंडा एक बच्चा, दो अंडे दो बच्चे, लेकिन अलग अलग शक्ल के, जब एक बार में दो अंडे निकले, ऐसे फिर 3, 4, 5, 6। अब ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए मोनोजायगोटिक की कंडीशन में यह कहा गया है कि एक अंडा सिर्फ 3 हिस्सों में विभाजित हो सकता है, 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, उससे ज्यादा में नहीं। लेकिन अगर आपने देखा एक औरत है जिसने 8 बच्चे पैदा किए, एक औरत है जिसने 8 बच्चे पैदा किए, तो इसका मतलब क्या है, एक औरत है जिसने 8 बच्चे पैदा किए, इसका मतलब यह है कि उनके उनके शरीर के अंदर एक साथ 8 अंडे पैदा हुए हैं और सारे बच्चे अलग अलग शक्ल के हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की माने तो अब तक किसी महिला ने सिर्फ और सिर्फ 9 बच्चे सबसे ज्यादा पैदे किए। मेरी बात समझिएगा, अगर किसी औरत को एक बच्चा हो और वो तीनों एक ही शक्ल के हो तो 4 एक शक्ल के नहीं हो सकते, 3 एक शक्ल के हो सकते हैं, क्योंकि एक अंडे से 3 ही हिस्से विभाजित हो सकते हैं। अब उससे ज्यादा जितने बच्चे पैदा होते हैं वो सारे डाइजायगोटिक होते हैं, अलग अलग अंडे से पैदा होते हैं। एक बार में 8 अंडे निकल जाना ये बिल्कुल 1% नहीं, 0.01% के लगभग। तो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के हिसाब से आज तक किसी महिला ने 9 बच्चे दिए हैं, बाकी सारी अफवाहें हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे और कोई ये कहे कि बताइएगा कि IVF के द्वारा क्या जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं, IVF के द्वारा अगर आपको चाहिए जुड़वा बच्चे तो आप IVF के द्वारा जुड़वा बच्चे पैदा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दूसरी बात और है, 1000 बच्चों में 3रा बच्चा आजकल जुड़वा पैदा हो रहा है। और अगर आपको ये जानना है कि ज्यादातर जो बच्चे जुड़वा होते हैं वो पूरे देश में, पूरे देश विदेश में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कहाँ पैदा हो रहे हैं, अमेरिकन जो होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे देखे गए हैं, और एशिया के कुछ आसपास लगे हुए देश उनके अंदर ज्यादातर हमने जुड़वा बच्चे देखे हैं। तो ऐसा होता है, तो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई एक अंडा एक स्पर्म एक बच्चा, और अगर उसी वो अंडा दो हिस्सों में बट जाए तो दो जुड़वा बच्चे होंगे जिनकी शक्ल एक जैसी होगी। और इसमें दूसरी बात है, जब शक्ल एक जैसी होगी तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बच्चा रो रहा है तो दूसरा भी रो रहा है, अगर ये रो रहा है तो ये भी रो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सपोज करो टीचर ने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया और एक बच्चा घर में बीमार है तो वो भी थप्पड़ ही ले रहा है, तो ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होती। तो ऐसे बच्चे हम मोनोजायगोटिक बोलेंगे, ज्यादातर जो आप लोग बच्चे देखते हो वो ऐसे देखते हो, लेकिन अगर आप एक लड़का एक लड़की देखते हो जो जुड़वा है और जो एक शक्ल के बिल्कुल भी नहीं है, वो डायजायगोटिक है, वो अलग अलग अंडों से पैदा होते हैं। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो समझ में आ गई होगी, और इसी तरह की वीडियोज जो है वो मैं बनाती रहूंगी। आजकल की जो महिलाएं हैं वो जागरूक
हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा ये जानना चाहती है कि सीजेरियन जो होता है, सी सेक्शन बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है, सीजेरियन क्यों होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। पीरियड्स क्यों होते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और हमारे साइंस बाय प्रिया मैम के चैनल पर आप लोगों को तमाम ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। लेकिन अब हमारी साइंस बाय प्रिया मैम एप्लीकेशन का नाम जो है वो एग्जाम रीडर हो गया है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा जितने भी अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है। बाकी ऐसी जानकारी हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए सेशन में कमेंट करना ना भूले कि आप लोगों को समझ में आ, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो जुड़वा है और इस वीडियो को देख रहे हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे हो, या आपने आसपास देखा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सेशन को लाइक करना। और एक यार लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, एक घंटे उसे दबा दीजिएगा। इतनी अच्छी वीडियोस हम बनाते हैं और आप चाहते हैं अगर ये वीडियोस रेगुलर आए तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।